हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू किटन सी एस सी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें। सो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है। डिवीजन ऑपरेटर एज वी नो कि ये एक बेसिक ऑपरेटर नहीं है, ये एक डराइव्ड ऑपरेटर है। मीन्स ये दूसरे बेसिक ऑपरेटर से डराइव हुआ है। सो डिवीजन ऑपरेटर एडिशनल ऑपरेटर भी हम कहते हैं और डिराइव्ड ऑपरेटर भी कहते हैं, बिकॉज ये एक प्रिमिटिव ऑपरेटर नहीं है, बेसिक ऑपरेटर नहीं है, इसको हमने डिराइव किया है लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट से, डिफरेंस एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर से। सो डिवीजन ऑपरेटर का फिर यूज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं? सो ऐसी क्वेरीज जहाँ पर हम ऑल कीवर्ड्स को देखते हैं। ओके, सो ये कहाँ सूट करता है? इट्स सूटेड टू क्वेरीज दैट इंक्लूड कीवर्ड ऑल और एवरी। सो डिवीजन ऑपरेटर हमें कब लगाना है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लाइक ये क्वेरीज हैं, फाइंड द पर्सन दैट हैज़ अकाउंट इन ऑल द बैंक्स ऑफ पर्टिकुलर सिटी, ठीक है, अगर हमें ऐसे पर्सन का अकाउंट पता करना है जिनका बैंक के किसी पर्टिकुलर सिटी में अकाउंट है, तो हमें वहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। या हम देखें, फाइंड सेलर्स हु रिजर्व्ड ऑल बोट्स, ऐसे सेलर्स जिन्होंने सारी बोर्ड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है। या फाइंड एम्प्लॉयज़ हु वर्क्स ऑन ऑल प्रोजेक्ट्स, ऐसे एम्प्लॉयज़ बताइए जो कि सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कंपनी के। या फाइंड स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर एवरी कोर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सारे कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है या ऑल कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि हम डिवीजन ऑपरेटर का कब यूज़ करते हैं, तब यूज़ किया जाता है जब हमें इस तरह की कोई क्वेरीज इवेल्यूएट करनी हो जहाँ पे कीवर्ड कौन सा यूज़ हो रहा हो, ऑल कीवर्ड या एवरी, दोनों सेम ही है। सो ये कई बार एट ऑल होता है या फिर फॉर ऑल लिखा होता है या इन ऑल या एट एवरी, फॉर एवरी, इन एवरी, ऑन एवरी, इस तरीके से अगर फ्रेजेस लिखे हुए हैं सो वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देने की बात आती है कि हमें डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। डिवीजन ऑपरेशन के लिए हम ये वाला बेसिक जो डिवीजन का सिंबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्लैश सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब ये सब क्वेरीज जो होती हैं इनको हम देख रहे हैं जनरली ऑल के बाद क्या लिखा हुआ है। ये स्पेसिफिक सेट ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है कि पर्टिकुलर सिटी में जो बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें ही सिर्फ निकाल के देना है। तो इन पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हमने निकाला है, ऑल से मीन्स ये स्पेसिफिक यही एलिमेंट्स चाहिए, और इन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है इन मेन एलिमेंट्स में से, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, दैट कंटेन्स ऑल दीज रिकॉर्ड्स हु सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स। तो फाइनल रिकॉर्ड में हमें वही एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि इस पर्टिकुलर ऑल के साथ में जो दिया हुआ है कंडीशन उसे सेटिस्फाई करते हैं। तो इसे सिंपली करने का तरीका है डिवीजन के थ्रू। सो ए में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी में वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो हम चाह रहे हैं, इसे हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें वो फाइनल रिजल्ट्स मिल जाएगा जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ए और बी यहाँ पे दो रिलेशन को शो कर रहे हैं। सो डिवीजन ऑपरेशन से हमें ये समझ में आ गया इस स्लाइड में कि इसको हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे परफॉर्म करते हैं ये हम देखेंगे। डिवीजन ऑपरेटर कब अप्लाई होगा ये हमें देखने के लिए उन दो टेबल्स में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी कि वो है कि नहीं डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लाइक डिवीजन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म या डिवीजन ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट ये बोलता है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए। मीन्स अगर हम ए डिवाइड बाई बी परफॉर्म कर रहे हैं तो बी टेबल का जो एट्रीब्यूट है वाई, वो ए के एट्रीब्यूट जो कि एक्स एंड वाई है, इसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए जो कि यहाँ पे हो रहा है। मीन्स यहाँ ए में हम एक्स एंड वाई देख रहे हैं और बी हमारा वाई, मीन्स बी का जो वाई है ये इसका प्रॉपर सबसेट है। सो जो भी एट्रीब्यूट्स है बी के वो प्रॉपर सबसेट होने चाहिए ए के एट्रीब्यूट्स के। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ हमारे एग्जाम्पल में सेटिस्फाई हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए में एक्स वाई है और बी में जेड है, तो Z तो क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है इसलिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। दूसरा ये कहता है जो भी रिजल्टिंग रिलेशन आता है, द रिलेशन रिटर्न बाय डिवीजन ऑपरेटर विल हैव एट्रीब्यूट्स ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ A माइनस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ B। जो रिजल्ट आएगा उसमें जो रिजल्टिंग
रिलेशन के एट्रीब्यूट आएंगे वो क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए माइनस एट्रीब्यूट्स ऑफ बी, मीन्स एक्स वाई में से वाई को माइनस कर देना तो वाई नहीं आएगा, वाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि जो रिजल्टिंग टेबल आता है डिवीजन में उसमें एट्रीब्यूट क्या रहेगा, एट्रीब्यूट ए के एट्रीब्यूट्स माइनस बी के एट्रीब्यूट्स, तो हमने इस तरीके से ये निकाल लिया। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, द रिलेशन रिटर्न बाई डिवीजन ऑपरेटर विल रिटर्न दोज टपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान से समझेंगे, विल रिटर्न दोज टपल्स फ्रॉम रिलेशन ए, विल रिटर्न दोज टपल्स फ्रॉम रिलेशन ए विच आर एसोसिएटेड टू एवरी बी स्टपल, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड टू एवरी बी स्टपल, मीन्स डिवीजन में क्या हो रहा है, हम ए के वो सारे टपल्स को शो करेंगे जो कि बी के हर टपल के साथ एसोसिएटेड है। बी में क्या है, वन एंड टू, तो अब अगर हम डिवीजन निकालते हैं तो हमें क्या निकालना, ए के ऐसे टपल, ए में से ऐसे टपल्स निकालने जो कि बी के हर टपल से एसोसिएटेड हो। तो वाई यहाँ पे हम देख रहे हैं, वाई वन टू यहाँ कहाँ है, वाई वन यहाँ है, इस वाई इस वन के साथ हम देख रहे हैं ए एसोसिएटेड है एंड टू के साथ क्या एसोसिएटेड है, बी, तो ये दोनों तो नहीं आ पाएंगे बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, वन और टू के साथ ए और बी अलग अलग है। इसके साथ देखते हैं, यहाँ टू के साथ क्या है ए, तो ये दो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि वन एंड टू जहाँ जहाँ भी है, वन एंड टू जो कि हमें ये देखना है, वन एंड टू होने चाहिए, तो वन एंड टू के साथ में एक सेम एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, बिकॉज सेम एलिमेंट एसोसिएटेड है तो रिजल्टिंग रिलेशन में आउटपुट क्या आएगा, ए, ठीक है, और बाकी यहाँ पे सेम नहीं है तो वन और टू के साथ सेम एलिमेंट होना चाहिए। सो दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, जो रिजल्टिंग रिलेशन है डिवीजन ऑपरेटर का वो क्या रिटर्न करता है, दोज टपल्स फ्रॉम ए विच आर एसोसिएटेड टू एवरी बी टपल, ठीक है, और इसमें एक्स की वैल्यूज रिटर्न होती हैं। सो दिस इज व्हाट डिवीजन ऑपरेटर, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई होता है। नाउ डिवीजन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है इसे देखने के लिए हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ये एक टेबल है ए एंड यहाँ एक टेबल है बी वन, अगर हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं डिवीजन ऑपरेशन देन क्या होगा, द आउटपुट विल बी लाइक दिस इफ़ यू परफॉर्म ए डिवाइडेड बाई बी वन, ठीक है। सो हमें क्या देखना है, जो बी के टपल्स हैं, ए के वो टपल्स जो कि बी के सारे टपल से एसोसिएटेड हैं, तो हम यहाँ कहाँ कहाँ देख रहे हैं, पी टू, वी कैन सी कि पी टू यहाँ है, पी टू के साथ क्या एसोसिएटेड है एस वन, और पी टू के साथ क्या एसोसिएटेड है एस टू, यहाँ पी टू के साथ एस थ्री, यहाँ पी टू के साथ एस फोर। सो यहाँ पे तो ये चारों आउटपुट आएंगे, ठीक है, एस वन एस टू एस थ्री एंड एस फोर, क्योंकि ये सारे के सारे बी के टपल के साथ एसोसिएटेड हैं। ओके, सो आउटपुट विल बी सिंपली एस वन एस टू एस थ्री एस फोर। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं, बी टू एक टेबल है, अब हमें ए डिवाइडेड बाई बी टू निकालना है, तब क्या होगा, हमें वो टपल्स देखने हैं जो कि बी के दोनों टपल्स के साथ एसोसिएटेड हैं, मीन्स पी टू एंड पी फोर जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों के साथ एसोसिएटेड हैं ए के ऐसे टपल्स। सो अभी हम यहाँ देखते हैं लाइक पी टू एंड पी फोर के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, पी टू के साथ यहाँ हम देख रहे हैं एस वन एंड पी फोर के साथ हम क्या देख रहे हैं एस वन, इट मीन्स एस वन यहाँ पी टू के साथ भी है, एस वन पी फोर के साथ भी है, तो एक आउटपुट तो आ गया इसका एस वन। दूसरा और देखते हैं, और कहाँ है पी टू एंड पी फोर, नेक्स्ट हम देख रहे हैं पी टू यहाँ है, पी टू के साथ एस टू है, ओके, यहाँ पी टू के साथ एस थ्री है, ओके, नेक्स्ट एक और पी फोर देख रहे हैं, सो यहाँ पी फोर किसके साथ है एस फोर के साथ है, यहाँ पी टू के साथ एस फोर एंड यहाँ पी फोर के साथ एस फोर, इट मीन्स ये दोनों में हम देख रहे हैं सेम है एस फोर एस फोर, और यहाँ हम दोनों में देखा था दोनों में S1 है, तो सेम S1 P2 एंड P4 के साथ एसोसिएटेड, यहाँ भी सेम S4 P2 एंड P4 के साथ एसोसिएटेड है, सो द आउटपुट विल बी S1 एंड S4 बिकॉज ये दोनों के साथ एसोसिएटेड है। लास्ट है B3, इसके साथ अगर हम डिवीजन निकालते हैं तो अब हमें ये देखना है कि तीनों के तीनों टपल के साथ कौन कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है।
सो आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ एस वन. कैसे? लेट्स सी. पी वन में हम देख रहे हैं पी वन के साथ क्या है, एस वन है. ओके. एंड पी टू के साथ भी यहाँ एस वन है. यहाँ पी थ्री हमें नहीं देखना है, हमें पी फोर देखना है. पी फोर के साथ भी यहाँ एस वन है. सो यहाँ पे पी वन के साथ एस वन एसोसिएटेड है, पी टू के साथ एस वन एसोसिएटेड है, एंड पी फोर के साथ एस वन एसोसिएटेड है. तो दैट्स वाई एस वन एस वन एस वन जो कि पी वन पी टू पी फोर तीनों के साथ एसोसिएटेड है, तो आउटपुट क्या आया? एस वन. इसके अलावा हम कहीं अगर और देखें, पी वन के साथ यहाँ पे क्या है, एस टू. ओके. पी टू के साथ यहाँ पे एस टू. ठीक है. अब तीसरा भी देख लेते हैं, क्या पी फोर भी है? पी फोर के साथ यहाँ एस फोर है. मतलब ये वाला हम देख रहे हैं रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है. तो इसके अलावा और कोई भी टपल्स नहीं है जो कि इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इस तरीके से हमने देखा कैसे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है. ओके. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कि इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग बेसिक ऑपरेटर्स. एज वी नो कि डिवीजन ऑपरेटर क्या है, एक डिराइव्ड ऑपरेटर है, और वी कैन से ये एडिशनल ऑपरेटर है जो कि बेसिक ऑपरेटर के थ्रू भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. और ये भी आप ध्यान रखें, एसक्यूएल में डायरेक्टली हम डिवीजन ऑपरेशन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. ठीक है. एसक्यूएल में ऐसा कोई डिवीजन के लिए सिंटेक्स नहीं है. हम क्रॉस प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस एंड प्रोजेक्शन का यूज़ करके ही इम्प्लीमेंट करते हैं. सो हाउ वी कैन एक्सप्रेस अ डिवीजन ऑपरेटर, स्पेशली इन अगर रिलेशनल अलजेब्रा बोले, क्रॉस प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस एंड प्रोजेक्शन, ये तीनों को मिला के हम डिवीजन ऑपरेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब इसके पीछे का आइडिया क्या है ये हम समझते हैं. ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए. सो इसके पीछे आइडिया क्या है? द आइडिया इज फॉर ए बाई बी, अगर हमें डिवीजन परफॉर्म करना है ए एंड बी का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कंप्यूट ऑल एक्स वैल्यूज दैट आर नॉट डिसक्वालिफाइड बाई सम वाई वैल्यू इन बी. ठीक है. इसका मतलब यही है, a बाई बी को हम कैसे लिख सकते हैं? वी हैव टू कंप्यूट ऑल x वैल्यूज, x की सारी वैल्यूज निकालनी है a टेबल में से, दैट आर नॉट डिसक्वालिफाइड, जो कि डिसक्वालीफाइड नहीं हुई है बाई सम y वैल्यू इन b. इसका मतलब ये है. ठीक है. तो अब हमें करना क्या है इसे निकालने के लिए? सबसे पहले हमें डिसक्वालीफाइड कौन सी वैल्यूज हुई है वो निकालना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये हम भी एग्ज़ाम्पल देखा था, एक टेबल a है, एक टेबल b है. ए में दो एट्रीब्यूट्स हैं एक्स एंड वाई, बी में एट्रीब्यूट है वाई. तो जब हम ए बाई बी निकालते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? एक्स के ही सारे टपल्स मिलेंगे जो कि वाई की सारी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो रिजल्ट में हमें क्या मिला था? ए मिला था, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं वन एंड टू वाई की जो वैल्यूज़ है, दोनों वैल्यूज़ के साथ ए यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो दैट्स वाई रिजल्ट में हमें ए मिला था. तो ये वो वैल्यूज़ है जो कि डिसक्वालीफाई नहीं हुई हैं बाई सम वैल्यू इन बी. तो अगर हम इसे बेसिक ऑपरेटर्स के थ्रू निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऐसी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी एक्स की जो कि डिसक्वालीफाई हो गई हैं. ठीक है. डिसक्वालीफाई कब होती हैं? एक्स वैल्यू इज़ डिसक्वालीफाइड, एक्स वैल्यू इज़ डिसक्वालीफाइड इफ़ बाई अटैचिंग वाई वैल्यू फ्रॉम बी we obtain x y tuple that is not in a. ठीक है. so इसका मतलब क्या है? means x की वो values like इसमें से b and d disqualified हो रही हैं, x की वो values, because जब हम b1 and d2 निकालते हैं, b1 b2 अगर हम combination बनाते हैं, b1 and b2 ये वाले tuples हम देख रहे हैं present नहीं है, दोनों साथ में present नहीं है. वैसे ही जब हम D का टपल बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, D1 एंड D2, ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो वाली वैल्यूज़ भी नहीं हैं. सो हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे. मींस ये डिसक्वालीफाइड टपल्स की कैटेगरी में आएंगे. और बाद में जब हमें डिसक्वालीफाइड टपल्स मिल जाएगा, सबसे पहले हम यही निकालेंगे, डिसक्वालीफाइड टपल्स. डिसक्वालीफाइड टपल्स मिलने के बाद हम पूरे एक्स में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए. ठीक है, जो कि हमारा डिवीजन का आंसर हुआ. सो डिसक्वालीफाइड एक्स वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग बेसिक ऑपरेटर्स. सबसे पहले हम इंटरनली स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हमें क्या करना है? प्रोजेक्शन
ऑपरेटर अप्लाई करना है ए पे, जिसमें से हम एक्स की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका कार्टीजन प्रोडक्ट निकालेंगे बी के साथ। इन दोनों का कार्टीजन प्रोडक्ट निकालने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उसे हम माइनस कर देंगे ए की वैल्यू से, एंड इसमें जो आंसर आता है उसमें से हम सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे पाई एक्स, ठीक है, वही वैल्यूज़ प्रोजेक्ट करेंगे, मीन्स बी एंड डी को प्रोजेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा डिस्क्वालिफाइड एक्स वैल्यूज़, जो कि ए के टेबल में से एक्स के वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज जो कि डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। सो अब डिवीजन कैसे निकालेंगे? पूरे ए के टेबल में से हम किसको प्रोजेक्ट करेंगे? एक्स वाले कॉलम को, और एक्स वाले जो कॉलम है उसमें से हम माइनस कर देंगे ऑल डिस्क्वालीफाइड वैल्यूज़। सो इनमें से पूरे में से हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे किसे? बी एंड डी को। तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा? जो बचा हुआ है तो उसे हम कहेंगे वो क्वालिफाइड टपल है। सो सेम जो अभी हमने निकाला, दिस इज़ डिस्क्वालीफाइड टपल, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, एंड दिस माइनस दिस। सो इस तरीके से हम निकाल लेंगे डिवीजन ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई नो आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे। सो सपोज हमने ए टेबल लिया है जिसमें सीरियल नंबर एंड पी नंबर है, एंड बी एक टेबल लिया जिसमें पी नंबर बस है। तो हमें अगर डिवाइड करना है ए बाई बी, सो इन दोनों का रिजल्टिंग रिलेशन आया ये, ठीक है। इसे हमने प्रीवियस अभी देखा था जिसमें ये बी टू टेबल था, तो सिंपलिसिटी के लिए हमने अभी सिर्फ ए और बी ही नाम दिया है। अभी हमने देखा था कि कैसे निकाला जाता है ए बाई बी, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो ए बाई बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा सीरियल नंबर है ए का, उसे माइनस करना पड़ेगा ऑल डिस्क्वालीफाइड टपल से। तो सबसे पहले हम ए और बी में से डिस्क्वालीफाइड टपल्स कौन से हैं x के, वो हम निकालेंगे। तो हमारे लिए x क्या है? अभी सीरियल नंबर है, ठीक है। तो हमें सीरियल नंबर के सबसे पहले डिस्क्वालीफाइड टपल्स निकालने हैं। सो उसके लिए हमें मालूम है कि ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? a का प्रोजेक्शन निकालना है सीरियल नंबर का, ठीक है, और b निकाला। तो इसमें से हमने प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया, और सीरियल नंबर में से हमने एस वन एस टू एस थ्री एस फोर हमारा आ गया। देन बी की वैल्यूज़ क्या हैं? सिमिलरली पी नंबर, पी टू, पी फोर, ये सेम रहेगी। अब हमें दोनों में क्या करना है? कार्टीजन प्रोडक्ट अप्लाई करना है। दोनों का कार्टीजन प्रोडक्ट क्या आएगा? एस वन पी टू के साथ एसोसिएट होगा, एस टू, सो ये सबका यहाँ कार्टीजन प्रोडक्ट निकलेगा, सबका पेयरिंग होगा। वैसे ही एस वन का पी फोर के साथ, एस टू का, एस थ्री का, एंड एस फोर का, सो ये कार्टीजन प्रोडक्ट निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ए की वैल्यू हम लेंगे, ये वाली ए का टेबल, इन इसका हम माइनस निकालेंगे ए के साथ। तो दिस माइनस दिस सेट डिफरेंस निकालने पे हमारा क्या आएगा? सेट डिफरेंस निकालने से हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी आउटपुट्स में। सेट डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इसके लिए सेट डिफरेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे निकाल लें। अगर हम निकाल लें तो ये कैसे निकलेगा? हम ये देखेंगे इस टेबल के कौन कौन से टपल से जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट होंगे उसे हम कैंसिल कर देंगे। सो एस वन पी टू हम देख रहे हैं, एस वन पी टू यहाँ प्रेजेंट है, सो ये वाला टपल तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन एस टू पी टू, एस टू पी टू भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, एस वन पी टू भी प्रेजेंट था, एस टू पी टू भी प्रेजेंट है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट एस थ्री पी टू यहाँ प्रेजेंट है, या एस थ्री पी टू भी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये टपल भी कैंसिल हो जाएगा। एस फोर पी टू, या एस फोर पी टू भी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एस वन पी फोर, एस वन पी फोर भी यहाँ प्रेजेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एंड एस टू पी फोर, या एस टू पी फोर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला टपल रहेगा। एंड एस थ्री पी फोर, एस थ्री पी फोर भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला टपल भी रहेगा। एंड एस फोर पी फोर हम देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंट है एस नेक्स्ट वाले टेबल में, ए में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट में हमारे दो टपल्स आए। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑपरेशन। तो इन दोनों का रिजल्टिंग रिलेशन आया ये। अब हमें अप्लाई करना है जो रिज़ल्ट आया है उस पर प्रोजेक्शन ऑपरेशन, जिसमें हम सीरियल नंबर को बस लेंगे। तो हम सिर्फ सीरियल नंबर जो ये दिख रहा है इसमें से, ये वाला ले लेंगे, एस टू एस थ्री को बस ले लेंगे। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ डिसक्वालीफाइड एस नंबर टपल्स, मीन्स एस नंबर में से जो डिसक्वालीफाई हुए हैं। तो डिसक्वालीफाइड कौन से टपल्स है? एस टू एंड एस थ्री। अब हमें क्या करना है? हमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या लेंगे? ए के प्रोजेक्शन निकालेंगे, पहले सीरियल नंबर का प्रोजेक्शन करेंगे। तो ए में से सीरियल नंबर प्रोजेक्ट किया, ये चार टपल्स आए। एंड डिसक्वालीफाइड टपल्स में से अभी हमने देखा ये जो
आउटपुट आया इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे. सो इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हम देखें डिफरेंस में, अभी हमने देखा था ऐसे टपल्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है वही आउटपुट में आएंगे. सो एस वन यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये आउटपुट में आएगा, एस टू प्रेजेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एस थ्री यहाँ प्रेजेंट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आया, एस फोर. सो इस तरीके से हमने देखा ए बाई बी अगर हमें निकालना है तो हम सिंपली ए डिवाइड बी लिख के कर सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में, या फिर हमें ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट दिख रहा है ये पूरा इक्विवेलेंट है जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, जिसमें डिफरेंस यूज़ हो रहा है एंड जिसमें प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूज़ हो रहा है. तो इस तरीके से बेसिक ऑपरेटर्स की टर्म्स में हम डिवीजन ऑपरेटर को प्रोजेक्ट करते हैं. हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा सा एक बार वीडियो पॉज करके धीरे से दोबारा समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. फिर भी कुछ डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट्स के थ्रू. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपके लिए एज अ असाइनमेंट समझ लीजिए, ठीक है. आप इसे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए. जब आप ए डिवाइड बाई बी निकालेंगे तो देखिएगा आंसर ये आएगा. ये कैसे आया एक बार चलिए देखते हैं. डी एंड ई हम देख रहे हैं, दो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं. हमें ऐसे टपल्स चाहिए, यहाँ से ए के वो टपल्स चाहिए, ए के वो एक्स टपल्स चाहिए. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वाई हमारा क्या, डी एंड ई. तो हमें रिजल्ट में क्या करना, इसे कैंसिल कर देना. हमारे रिजल्टिंग रिलेशन में ए बी सी टपल ही आएंगे, ए बी सी एट्रीब्यूट ही आएंगे. तो ए बी सी एट्रीब्यूट यहाँ आउटपुट में आएगा, और बिकॉज डी ई जो कि बी की एट्रीब्यूट है ये इसका सबसेट है ही, और रिजल्टिंग रिलेशन में हमें मालूम है कि ए के एट्रीब्यूट्स माइनस बी के एट्रीब्यूट्स आते हैं. तो दिस माइनस दिस आ गया ए बी सी. तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गई आपको समझ में आ गया. अब कौन कौन से टपल्स आएंगे, अब हमें ये देखना है डी ई की वैल्यू में ए वन एंड बी वन ये दोनों वैल्यूज़ में कौन कौन से यहाँ पे एसोसिएटेड वैल्यूज़ हैं. लाइक यहाँ हम देख रहे हैं ए वन के साथ ए बी सी के क्या वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा ए अल्फ़ा. एंड सेम अगर बी वन के लिए देखें तो इसी में सेम कोई वैल्यूज़ दिख रही हैं क्या बी वन के लिए भी, अल्फ़ा ए गामा है नहीं आएगा. यहाँ पे बी वन के साथ गामा ए है नहीं आएगा, यहाँ बी वन में गामा ए बीटा, तो ये वाला तो नहीं आएगा. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ए वन, तो यहाँ ए वन बी वन क्या है, अल्फ़ा ए गामा, अल्फ़ा ए गामा, गुड. ये वाला हमने देखा ये सेम है, ए वन डी ई की वैल्यू एंड बी वन ये दोनों के लिए हमने देखा अल्फ़ा ए गामा है एंड अल्फ़ा ए गामा, तो हमारा आउटपुट में एक टपल तो ये रहा. वैसे ही हम देखेंगे, आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए वन में गामा ए गामा है, बी वन में गामा ए गामा है. तो ये वाले टपल्स हम देखेंगे ए बी सी, ये तीनों वैल्यूज सेम हैं फॉर डी ई की वैल्यूज़ के लिए, तो आउटपुट में सेकेंड वाला ये आएगा. तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा. लास्ट एक क्वेरी भी देख लेते हैं जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये. इसमें क्वेरी किस तरीके की आती है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी टेबल में से हम अभी सॉल्व करेंगे. क्वेरी ये है, फाइंड ऑल कस्टमर्स हु हैव एन अकाउंट एट ऑल ब्रांचेस लोकेटेड एट ब्रुकलिन सिटी. ठीक है, यहाँ पे एट लिख लेंगे, लोकेटेड एट ब्रुकलिन सिटी. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमें ऐसे ब्रांचेस निकालने हैं बैंक के जो कि ब्रुकलिन सिटी में हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑब्टेन ऑल ब्रांचेस इन ब्रुकलिन बाय द एक्सप्रेशन. सो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम निकालेंगे. सो ब्रांच टेबल यूज़ करेंगे, ब्रांच टेबल में से हम ब्रांच सिटी को चेक करेंगे, किसकी ब्रांच सिटी ब्रुकलिन है. जिसकी ब्रांच सिटी ब्रुकलिन है वो सिग्मा के थ्रू वो टपल्स प्रोजेक्ट होंगे, और उसमें से हमें क्या चाहिए, सिर्फ ब्रांच नेम चाहिए. तो हम सिर्फ ब्रांच नेम को प्रोजेक्ट करेंगे. ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा. प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया है टेबल आपको, उसमें से आप ये क्वेरी अप्लाई करके रिजल्ट देखेंगे तो ये वाला रिजल्टिंग रिलेशन आएगा. सेकेंड हमें क्या निकालना है, हमें कस्टमर्स निकालने हैं. ठीक है, कस्टमर नेम एंड ब्रांचेस निकालने हैं, ऐसे कस्टमर्स और ब्रांच उनका पेयर बनाना है, फॉर विच कस्टमर हैज़ एन अकाउंट एट अ ब्रांच. ठीक है, बाय राइटिंग दिस क्वेरी. तो पहले वाली क्वेरी को हमने R1 नाम से रेफ़र कर रहे हैं हम, और सेकेंड इस क्वेरी को R2 नाम से रेफ़र कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए.
अब डिपॉजिटर में हमें मालूम है कि हमें पता चलता है कस्टमर नेम पता चलता है, और अकाउंट टेबल से हमें अकाउंट नंबर पता चलता है। तो दोनों में कॉमन है अकाउंट नंबर, तो इसलिए हमने दोनों का जॉइन निकाला। जॉइन निकाल के हम देख लेंगे कौन से कस्टमर का कौन से ब्रांच में अकाउंट है। तो अब हमारे पास ये दोनों आ गए, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या आएगा? जॉइन निकालने के बाद कस्टमर्स और उनके ब्रांच का नेम निकल जाएगा। सो अब हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड कस्टमर्स हु अपीयर इन आर टू। हमें उन कस्टमर्स को निकालना है जो कि अपीयर हो रहे हैं आर टू में विथ एवरी ब्रांच नेम इन आर वन। तो ऐसे कस्टमर्स आर टू वाले ऐसे कस्टमर्स निकालने हैं जो कि हर ब्रुकलिन ब्रांच वाले में जिनका अकाउंट हो। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अब सेम क्वेरी को। तो ये हमारा आर टू हो गया, एंड आर टू को हमने डिवाइड किया है आर वन के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ये वाला पोर्शन आर वन हो गया एंड ये वाला पोर्शन आर टू हो गया। तो आर टू डिवाइडेड बाई आर वन, जिसमें से ये वो सारे कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट है अलग अलग ब्रांचेज में। अब हम डिवाइड कर देंगे जिन ऐसे कौन कौन से ब्रांच नेम है जो कि ब्रुकलिन सिटी में है, ठीक है। और इन सभी को हमने डिवाइड कर दिया इससे, तो हमारा रिजल्टिंग रिलेशन आया जॉनसन। जॉनसन कैसे आया? जब हम डिवाइड करेंगे इसको इसके साथ, तो हम देखेंगे कि ब्राइटन एंड डाउनटाउन दोनों के साथ हम देख रहे हैं जॉनसन एसोसिएटेड है, तो आउटपुट में क्या आएगा? जॉनसन, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट डिवीजन ऑपरेशन। एंड अगर इस तरह की क्वेरीज मिलती है जहाँ पे एट ऑल या ऑल एंड एवरी कीवर्ड्स लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे ध्यान दें, वहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें, और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।